रसुआ की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोची शिपयार्ड को धमकी भरा ईमेल मिला है। शिपयार्ड को धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई है। नेवी के हिस्सों को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। रसुआ की बड़ी खबर जहां पर नेवी शिपयार्ड को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। सीएनएन न्यूज 18 की यह खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कोची शिपयार्ड को धमकी भरा ईमेल मिला है। शिपयार्ड को धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई है और नेवी के हिस्सों को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। संदीप बोल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, और क्या जानकारी है? देखिए, एक ईमेल आया था कोची शिपयार्ड के ऑफिशियल को जिसमें ये बात कही गई है कि जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन है कोची शिपयार्ड के, उनको जो है खतरा है, उनको जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरीके की जानकारी एक ईमेल के जरिए आई थी और उस ईमेल पर जो है कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने जो है मामला भी दर्ज किया है और अब ये जांच की जा रही है कि आखिर ईमेल आया किस हैंडल से था, कहाँ से था, क्या कोई ये फेक आईडी के जरिए तो ये ईमेल नहीं भेजा गया, और जितनी तमाम जानकारी वो जुटाई जा रही है। खास बात ये है कि ISV-1 विक्रांत जो है इस वक्त कोची में ही है और उसका एक पहला समुद्री ट्रायल भी हो चुका है। कई सारे ऐसे नेवी के जो शिप्स हैं वो भी अभी उस जगह पे मौजूद हैं। तो ऐसे में इस धमकी भरे ईमेल को जो है गंभीरता पूर्वक लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मेल भेजा तो भेजा किसकी तरफ से, कहाँ से आया है और किस क्या ये वाकई किसी तरीके की शैतानी थी या वाकई इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी जिसको कि ये बताकर इस तरीके की चीजें करने की कोशिश में थे। तो फिलहाल पुलिस जो है जांच कर रही है, मामला दर्ज कर लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी जो है इस बारे में जो है पुलिस कोई ना कोई सुराग तलाश कर इस ईमेल के आने का और ईमेल भेजे जाने वाले का भी पता शायद सामने ला दे। जी संदीप।